साथियों, हम तो माता शबरी की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज को सम्मान नहीं दिया और न ही मिलने दिया। आदिवासी क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में इतने बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस ये बलिदान की बात मानने को तैयार नहीं है। आजादी की लड़ाई का पूरा श्रेय कांग्रेस केवल एक परिवार को ही देती रही है। ये भाजपा है जो देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर म्यूजियम बनवा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हमारे पूर्वज आदिवासियों ने देश के लिए कितने बड़े बलिदान दिए थे। साथियों, आप सभी जानते हैं, भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया और पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, वो कौन लोग थे जिन्होंने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए रात दिन एक कर लिए थे? वो कौन थे? ये कांग्रेस वाले थे जिन्होंने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए रात दिन एक किया था। और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया? और इसकी एक वजह अभी दो तीन दिन पहले ही खुली है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं ना, उनके गुरु अमेरिका में रहते हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे के एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी की है, रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे, जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है, और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था।